गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं जस्ट एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से बाहर निकला हूँ और अचानक से देखा 6 मंथ्स पहले का मेरा रिजल्ट, तो मैं भी बहुत खुश हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि रिजल्ट क्या होना चाहिए और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अच्छे से प्लास्टिक सर्जन क्या रिजल्ट देते हैं तो मैं रिजल्ट दिखाऊंगा। ये हमारे नोन है, दोस्त हैं, जो उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उनका हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी के बाद। मेरा अभी अभी कराया 6 महीने पहले और एकदम ये आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से हेयर ट्रांसप्लांट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ अच्छा है, सर अच्छे हैं, सब कोई घबराने की बात नहीं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सो बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी प्रोसीजर है जो प्लास्टिक सर्जन करते हैं, जिसमें एंगुलेशन क्या देना है, डायरेक्शन, डेंसिटी, हेयर लाइन कहाँ पे, उसमें फॉलिकल्स होते हैं सिंगल डबल ट्रिपल फॉलिकल्स, तो कहाँ पे डबल डालने हैं, कहाँ पे ट्रिपल डालने हैं, किस तरीके से एडजस्ट करना है, माइक्रोस्कोप में देख के किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग बाल है उसको डैमेज ना हो वो सब देखना होता है। करने के दौरान पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए, तुरंत ही वो उसका डाउन टाइम ना हो, तुरंत से हेड वॉश कर दो, कम से कम दवाइयाँ रखो, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है, तो उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है और उसको किस तरीके से पेशेंट को अनइवेंटफुली हम बाहर निकालें ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप हमारी टीम का कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपको हेल्प करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।